यार मैं तुम्हारे को कह भी रहा हूँ तुम तो गिरे हुए बन गए हो। पता नहीं स्नो मिलेगी नहीं मिलेगी, कब मिलेगी तो मजा आएगा यार। ऐसा कुछ हम श्योरली बता नहीं सकते कि स्नो मिलती है पासिस पे। खारदुंगला कई बार ऐसे ही होता है, ड्राई होता है, कई बार स्नो होती है, पर थोड़ी बहुत तो मिलती है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ड्राई रहता है, काफ़ी पासिस ऐसे जो बिल्कुल ड्राई रहते हैं, बहुत ही रेयरली उनको स्नो मिलती है। जैसे रिसेंटली कोई पड़ गई स्नोफॉल तो ठीक है, बाकी जैसे तंगांगला हो गया, बारलाचला हो गया, वहाँ पर स्नो मिलती ही मिलती है। थोड़ी कम मिल जाएगी पर मिलेगी ज़रूर। और खारदुंगला में भी ऐसा ही रहता है, मिलती है बट थोड़ी कम ही मिलती है। यहाँ पे कल बारिश हुई है, यहाँ पे बारिश हुई है। नहीं नहीं कहाँ, ले में ले में हुई है बारिश। हाँ तो चांसेस है कि स्नो तो मिल जाएंगी, क्योंकि नीचे बारिश मतलब ऊपर स्नोफॉल, स्नो के साथ स्नोफॉल भी मिल जाएगा। नहीं 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 ना, बस इतना एडवेंचर नहीं करना इतने ऊपर हाइट पे जाके, इतने से काम चला लेंगे हम। बाहर का क्या नज़ारा है, गजब का नज़ारा है, मज़ेदार, मन खुश कर दिए। लास्ट टाइम बाइक पर हमें भी ध्यान नहीं दिया, काफ़ी मन खुश हो गया यहाँ पे आके तो मज़ेदार। लोकेश मज़ा आ रहा है फुल, क्यों आ रहा है मज़ा, रीज़न बताओ मुझे। हर बात का रीज़न नहीं होता ना। अच्छा कुछ तो होगा, जैसे हमें तो नज़ारे अच्छे लग रहे हैं, नए नए नज़ारे लग रहे हैं, हाईएस्ट मोटरेबल रोड पर चल रहे हैं, हाईएस्ट जगह जा रहे हैं, और मैं तो तीसरी बार जा रहा हूँ, इस बार कार से जा रहा हूँ, इस बार अलग जा रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा एक्साइटमेंट अलग है, अलग टाइप का एक्साइटमेंट है। तुम्हें क्या है, मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ ना भाई, फर्स्ट टाइम जा रहे हो इसलिए। यस, यहाँ फोटो के लिए खड़े हुए हैं, बाकी हमारा नंबर तो पता नहीं कितनी देर में आएगा, तो सोच रहे हैं आगे चलते हैं, नंबर तो आने वाला नहीं है, लाइन में लगने का कोई फ़ायदा नहीं है। चलो कैश लेट्स गो, साउथ पुलू तक चलते हैं, फिर वहाँ पर थोड़ी देर बैठते हैं, 10 मिनट थोड़ा एक्लेमेटाइज होते हैं 10 मिनट के लिए। इतने में हो जाता है एक्लेमेटाइज, पहले से हो रखा है एक्लेमेटाइज, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम साउथ पुलू आ गए हैं, तो यहाँ पे ऊपर जाके यहाँ पे चेक होता है आपके परमिट्स वगैरह, और फिर दिखा देना है, फिर उसके बाद आगे चला जाना है हमें। सो लास्ट दोनों टाइम मैंने यहीं चेक कराए थे, इस पर भी यहीं है, ये पुलिस चेक पोस्ट साउथ पुलू। सो साउथ पुलू में चेक हो गया है, बाकी वो फोटोकॉपी मांगते हैं, बट हमें रात को मिला नहीं, प्रमोद भाई गए थे, कह रहे थे सारी शॉप्स वगैरह बंद हो चुकी हैं, तो जेरॉक्स हुआ नहीं। सो अभी इनसे रिक्वेस्ट करी तो उन्होंने फ़ोटो क्लिक कर लिया और हम चले गए। वैसे कभी भी आओ ना तो हैसल फ्री जाते हो ना, तो फ़ोटो कॉपी करा के आओ, इसलिए मैंने पहले भी प्रमोद भाई को कहा था कि फ़ोटो कॉपी करानी ज़रूरी है, बट आज भी हमें चांस नहीं मिला। चलो कोई बात नहीं, दुकानें बहुत जल्दी बंद हो जाती है ना यहाँ पे, 6:30 बजे। हाँ बहुत जल्दी बंद हो, बहुत जल्दी बंद होती है। बाकी आगे रास्ता जा रहा है, आपको दिखाई तो नहीं दे रहा होगा, इस पहाड़ पे से रास्ते ऐसे जा रहे हैं, अभी ऑफ रोडिंग स्टार्ट होने वाली है। ये पत्थरों के पीछे से ना कोई गया, क्या गया पता नहीं, कैट सा टाइप का लगा मुझे तो, अभी पत्थरों के पीछे छुप गया। चलो वो जा रहा ऊपर जा रहा है। अरे दिख जाओ, थोड़ा सा दिखा था, हेलो वो गया भागा। साउथ पुलिस से हम 4-5 किलोमीटर तो आ ही गए होंगे लोकेश, है ना। और रोड अभी भी अच्छा बना हुआ है, तो मतलब रोड पहले से बहुत ज़्यादा बेटर हो गया है, क्या बात है यार। रोड ऐसा थोड़ा बहुत और चल जाए तो मतलब हम जल्दी पहुँच जाएंगे, ये तो टाइम नहीं लगने वाला है, आराम से जाएंगे मस्ती में। अभी तो रोड अभी मुझे आगे भी लग रहा है, जैसे गाड़ियाँ चल के आ रही है ना, उधर से गाड़ियाँ चल के आ रही है, इसी से साफ नहीं दिखाई नहीं दे रहा होगा अच्छी तरह आपको। बाकी जैसे कुछ आ रही है ना, उसे लग रहा है कि बिल्कुल स्मूथ रोड है आगे भी, और देखते हैं कहाँ तक रहने वाला है। पूरा तो नहीं होगा, ऊपर टॉप पे तो नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ऊपर टॉप पे स्नो ज़्यादा पड़ती है। फाइनली ऑफ रोड आ गया है, अब यहाँ से रोड हमें ऐसा ही मिलने वाला है। सो यहाँ पर टाइम लगने वाला, जितना टाइम लगेगा इधर लगेगा, वापस आते हुए टाइम नहीं लगेगा। इससे आपको समझ ही गए कि हम नुब्रा वैली नहीं जा रहे हैं, नुब्रा वैली ना जाने का रीज़न है वो बताते हैं, आते खुद आते हैं, आराम से आएंगे, बताते आएंगे, बात करते आएंगे। यहाँ पे भी रोड दोबारा फिर से अच्छा आ गया है, बाकी बाहर आ गए हैं, फोटो वोटो क्लिक करने के लिए आए हैं। व्यू दिखा देता हूँ, ले वहाँ पे है, ले सिटी उधर है, वहाँ से मैं से जिगजैग करते हुए ऊपर तक आ गए हैं। साउथ कुल्लू नीचे दिखाई दे रहा होगा वहाँ पे आपको, वाइड एंगल तो इतना मतलब दूर नहीं जाएगा कि ठीक है। लोकेश से अब ड्राइव ले ली, अब ड्राइव मैं करने वाला हूँ, फ़ोटो वोटो क्लिक कर लेते हैं फिर ड्राइव मैं करता हूँ। देखो स्नो देखो कैसी आइस साइकिल सी क्रिएट हो रखी है, पिघल रही है क्योंकि धूप निकल रही है, और स्नो रास्ते पे भी हल्की फुल्की मिल रही है। बाकी रोड में पैचेस में सही आ रहा है, पैचेस में चलो इतना भी सही है, थोड़ा बहुत भी सही आ जाए। सीट बेल्ट लगा लो भाई, क्या कर रहे हो, उतर के भागने की तैयारी थी क्या, उतर के फोटो खिंचवानी थी, व्यू अच्छा था। सो भी आगे वर्ल्ड के हाईएस्ट मोटरेबल रोड पे
स्नो है, देख रहे हो अच्छी स्नो है, पीछे रास्ते में स्नो थी। बाकी आगे चलते हैं, बोर्डिंग पास फोटो वोटो क्लिक करते हैं, 10 से 15 मिनट रुकते हैं, उसके बाद लेट्स गो। बाकी गाड़ी पीछे पार्क कर दी है, आगे पार्किंग नहीं मिलती, देख रहे हो ग्राउंड है, सोचा थोड़ा सा पीछे ही पार्क कर देते हैं। हार्डली 10 मीटर पीछे ही पार्क की है, ये तो बोर्डिंग पास फोटो क्लिक करते हैं, क्राउड देख ही रहे हो, फोटो का नंबर आ जाए ना वही बहुत है, नंबर मुझे लगता है टाइम लगेगा आने में। द टॉप ऑफ द वर्ल्ड माइटी हारदुंगला जो कि 17,982 फीट पे, अच्छा जरा दिखाता हूँ आगे जाके, 17,982 फीट पे है। आज सूर्य सिलेक्शन रॉन्ग है, ये यहाँ नहीं चलने वाले हैं, या इसमें स्लिप करने वाले हो, साथ चढ़ रहे हैं, स्लिप करके गिर ना जाऊँ मैं, केयरफुली पैर जमा के ऊपर तक पहुँच रहे, इनका नंबर आएगा फिर अपना। ओ भाई देखा स्लिप, ये होता है को पकड़ने के चक्कर में, यही होता है, हमें मानव भाई आदि मानव हो गए थे और तो बार स्लिप खा गए थे, एक बार किसी को बचा रहा था जब गिर गया, एक बार गिर गए, एक बार वैसे ही गिर गया, मन मर्जी से गिर जाते हो, गिर जाते हैं, इतने गिरे मत बनो यार तुम, गिरा हुआ नहीं होता भाई, गिरना जरूरी होता है, गिर के आदमी उठता है। तो मैं कह रहा था आराम से जाओ, मेरे शूज फिर भी आपसे बेकार है, स्लिप लिए आप फिर भी ऐसे कर रहे हो, कैसे कर रहे हो? करता हूँ मैं ऐसे, एक भाई की हेल्प कर रहा हूँ फोटो क्लिक करने के लिए, वो कह रहा था फोटो कर दो यार क्लिक, तो उनके लिए फोटो क्लिक कर दी जाए, सुबह टाइम कर रहा हूँ ऊपर जाने के लिए फोटो के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो भाई, तुम अभी आ रहे हो, भैया को दे दे भैया, हट जाओ हट जाओ भैया, यार ये देख रहे हो कितना आराम से जा रहे हो, उनको देखो आ गया ना, लेकिन आखिरकार आ गया, ऐसा नहीं है आ नहीं पाया, फोटो ले आ गए यहां पे, कोई बात नहीं थोड़ा सा गिरी, तो थैंक यू भाई, भाई को परेशान किया हुआ था, दोनों चीज पकड़ा दी, फोन भी, पूरी ठंड हो रखी है और थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा, इस गाड़ी के पीछे खड़ी है अपनी गाड़ी और ये रहा पास, थोड़ा पैदल ही चलेंगे आराम से, इनकी गाड़ी पार्क हो गई है, गाड़ी ऐसे फिसल जैसे कांच हो, और दिखाओ ये अपने हाथ दिखाओ तुमने क्या चोट लगवाई है, इन्होंने दवाई लगाई है और इतनी ज्यादा दवाई लगाते हैं, ज्यादा दूर से फिसल गया था, निकल ज्यादा गई ना, मैंने सील खोली ना अभी तो निकल ज्यादा गई, वो वापस तो जाएगी नहीं अब, तो मैंने फिर सारी लगाई लो, सही बात है, बाकी अभी वापस चल दिए हैं, रास्ते पे थोड़ी कोई दिक्कत तो मुझे लग नहीं रही क्योंकि वो पिघल रही है, क्योंकि टेम्परेचर इतना ज्यादा नहीं है, अभी +2 टेम्परेचर दिखा रहा है, तो +2 तो यार ठीक है, +2 में तो मतलब आइस मेल्ट हो जाती है और वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है, ब्लैक आइस में मतलब वो कांच वाली फीलिंग नहीं आती, जैसे अभी मैं आइस पे चला रहा हूँ तो कुछ नहीं दिक्कत आ रही, देखो आइस पे भी लेके गया थोड़ी सी, कोई दिक्कत नहीं आई, बट फिर भी थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए आइस के ऊपर, क्योंकि आप टोटल कंट्रोल नहीं रख सकते, जैसे कि नॉर्मल रोड पे होती है, नॉर्मल टारबैक पे होती है, वैसे अभी रोड बहुत अच्छा बना दिया, ऊपर तक रोड बना रखा है, आने में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हुई, पता ही नहीं चला इतनी जल्दी तो कैसे पहुँच गए हम, और अभी से टाइम 11 बज चुके हैं, 9:30 हम निकले थे, हाँ आराम से है ना, 1 बजे तक हम वहाँ होंगे होटल में अपने, पहले फ्यूल डलवाना है, वैसे फ्यूल थोड़ा सा कमी हो रहा है, 167 रेंज दिखा रहा है, फ्यूल डलवा के आना चाहिए था, बट हमने चलो 270 दिखा रहा हूँ, लेट हो जाएंगे, सो ये वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है, देखो कैमरे का साइज, कैमरे के साइज से नहीं पता चलता, बेसिकली लेंस का साइज होता है, जिसकी फोकल लेंथ ज्यादा होती है, जो कि टेलीफोटो लेंथ होता है, हमारे जैसे वीडियो के लिए ज्यादातर वाइड एंगल चलते हैं, उसकी शायद ये फोटो ले रहे हैं, हमारे कैमरे में नहीं आ रहा, ऊपर वाले के लिए फोटो ले रहे हैं और हमारे कैमरे में वाइड नहीं, क्योंकि हमारा वाइड एंगल है, सो ये पास से वाइड दिखाता है और ये दूर से भी पास दिखा देता है, सो फुल किराया डीजल और यहाँ पे रेट है डीजल का 95-97 और कितना आता है मेरे ख्याल से 4,000 से ऊपर का आएगा आराम से, है ना, 4,001 रुपए का आया डीजल 41 लीटर, अभी डिसाइड किया है कि लेस तूपा जा रहे हैं, तो अभी गाड़ी स्टार्ट करते हैं और निकलते हैं, अभी टाइम हो चुका है 4:00, 3 घंटे आराम किया, रिलैक्स हुए, सही लग रहा है, तो निकलते हैं, वैसे कुछ सर दर्द वगैरह नहीं होता, नहीं लास्ट 2 टाइम आया था तब दोनों बार सर दर्द हुआ था, खारदुंगला गया था, बट इस बार डायमोक्स ली थी मे भी, इसलिए मुझे इतना नहीं महसूस हुआ, बाकी ओवर यूज़ नहीं करना चाहिए डायमोक्स का। सामने देख रहे हैं ये लद्दाख का शांति स्तूप है, कि पिछली बार नीचे जाके पार्किंग मिली थी बहुत ज़्यादा नीचे जाके,
मैं सोचा चलो अभी नहीं, बाद में आके देखता हूँ, कभी बाद में आऊँगा या फिर नेक्स्ट डे। बट प्लानिंग कुछ चेंज हो गई थी इसलिए मैं दोबारा फिर आ नहीं पाया था, बट चलो इस बार विजिट कर लेते हैं। तो ये इतना बड़ा है, इतना बड़ा वाइड एंगल में भी अच्छी तरह नहीं आ रहा, तो मैं थोड़ा पीछे आके तब शूट कर रहा हूँ। सो आप देख सकते हैं इसकी ब्यूटी को, काफ़ी टॉल है। अब पता नहीं इसकी हाइट क्या एक्चुअली में, आगे जाके देखते हैं कि वहाँ पर कोई मैंशन है कि इसकी हाइट वगैरह कितनी है, तो सब सारे डिटेल्स वगैरह देते हैं। बाकी हाइपरलैप शूट कर रहा हूँ, अगर अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर बताना। अभी यहाँ पे अंदर गए थे, शूज़ निकालने पड़ते हैं बाहर वहाँ पे, अभी धूप इधर है तो इस तरह शूट कर रहा हूँ। बाकी काफ़ी अच्छा लगता है, बस मैं ऐसी जगह जाके शूट करने का मन तो नहीं करता, बट चलो कर लिया मैंने थोड़ा बहुत जो भी बाहर से किया, बट अंदर से रुकिया नहीं। और यहाँ से सिटी दिख रही है, लेह सिटी पीछे देखोगे बड़ी शानदार लगती है, मतलब ऊपर से हाइट से आप देखते हो ना सिटी को, हाँ हाँ मज़ा आ गया। काफ़ी फैली हुई है, दूर दूर तक फैली हुई है। तो अभी यहाँ से नीचे कैफेटेरिया है, वहाँ पे जाके मे बी थोड़ा बहुत खा लें, क्योंकि लंच नहीं किया है, लेटे रहे, मन नहीं है, सुस्ती में थे, बट अब मन कर रहा है कि अब कैफेटेरिया पास में ही है तो यहाँ खा लेते हैं। और होटल में अवेलेबल नहीं था। दो हनी चिली पोटैटो मैंने पैक करा लिए, अब ये होटल में जाके खाने वाले हैं। प्रमोद भाई अपना यूजुअली कुछ नहीं खाने वाले हैं, हैवी माइलेज देता हूँ मैं, हैवी माइलेज बनाने लंच तो करते ही नहीं है, मुझे लगता ही नहीं है तो लंच कर करा होगा। इवनिंग का टाइम हो गया 7:15 और अभी हम माल रोड पे आए हैं, या मार्केट कह दो ले की एग्जैक्टली तो मैं खुद नहीं पता, वीडियो में दूसरी बार बता रहे हैं। और यहाँ पे क्या करने वाले, घूमने वाले हैं थोड़ी देर, टाइम पास। सुबह है ना यार, खारदून जल्दी हो गया ना, सिर्फ टाइम ही टाइम बच गया हमारे पास, इसलिए सोच रहे हैं कि घूम लेते हैं। कस लो। चलो भाई चलो, करो करो, छुटाओ। अरे लंबा हो रहा है। नहीं छूट रहा है। लंबा हो रहा है। लंबा हो ये वाला यार चोट लग जाएगी, आपस में प्यार मोहब्बत अलग चीज होती है। बिंदर है वो, सन्नी है ना, बढ़िया उसके उसके हस्बैंड है। अरे तुम मिले नहीं थे क्या सुबह? आज सुबह कहाँ मिले हम? तो भी नहीं मिले। ये प्रतुद छोटे सब्सक्राइबर कह रहे बिग फैन बट ये देख हो रहे हैं, अभी हो रहे हैं, अभी बिग हो रहे हैं धीरे। एक एक लड्डू खाओ लू आई नहीं हाथ में ही नहीं। इतना प्यार क्यों कुत्तों से? क्योंकि इंसान प्यार के लायक नहीं है। ओहो इसलिए हम दुश्मन है। तुम दुश्मन हो। और ये क्या है? कौन ये? भालू यार। ये भाई मेरे भाई को तुम ऐसा बोल रहे हो? मेरे भाई को मारो मारो मारो। ठीक है चलो, बोल दिया तो भाई बोल दिया। चलो लो जी लड्डू खाओ, लड्डू खाओ। वाह बनाते रहोगे, खा लो। मैं आइसक्रीम खाना, आइसक्रीम पार्लर पे वहाँ पे लगी थी भीड़, लड्डू खाते हैं इसके बाद आइसक्रीम खाएंगे। ठंड में हमेशा ठंड मारती है। ये मीठा कोई नहीं खाता भाई। ये क्या वनीला ले लिया तुमने? अमेरिकन नट्स भाई, महंगे वाला नाम है ना, इसलिए समझ नहीं आ रहा। अमेरिकन नट्स बटा बना फेवरेट तो मैंगो है। मैंगो बट इनको पता नहीं कहीं ना कहीं हॉटस्पॉट मिल जाता है, घर पे कॉल करी। अच्छा हॉटस्पॉट, सुनो इनको अगर हॉटस्पॉट नहीं मिलता तो ये टंडी ऊपर कर लेते हैं, या तो मैं फिर ब्लॉग बनाता रहूंगा। ठीक है, इन्होंने ना जीजू के फोन से थोड़ा हॉटस्पॉट सेव कर लिया अपने फोन में, कल आप चले जाओगे अभी वो हॉटस्पॉट यूज करेंगे। अगर मेरे को हॉटस्पॉट नहीं मिलेगा मैं ब्लॉग बनाना शुरू कर दूंगा। भाई हॉटस्पॉट दे दो, हॉटस्पॉट दे दिया करो, कोई ना कोई डंडी नीचे ही रहेगी। ये बात तुम पहले बता देते ना, पहले दिन तुम कर देते हैं। अब बता दी ना, अभी भी दो दिन है हमारे पास। अब जैसे ही ब्लॉग बनाए ना, जैसे ही ब्लॉग बनाए हॉटस्पॉट बंद कर देना। इनके लिए टोंगल लेके चलो।